दोस्तों आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज मैंने आपके लिए वो वीडियो डाली है जो आप कई दिनों से कमेंट में मांग रहे थे, स्ट्रेट प्लाजो, वो भी बगैर ऊपर बेल्ट में ज्वाइंट आए और नीचे मोहरी में भी। तो सिंपल सा बताऊंगी। हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रिटिन्स। गाइज, आज मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाऊंगी। दोस्तों ये प्लाजो बहुत ही जल्दी सिलकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप जैसे जैसे देखोगे, इतना आसान तरीका आपने नहीं देखा होगा, और एक बार आप इसको देख लोगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें दोस्तों जैसे कि तीन माप हमने लिए हैं, उसके लिए जैसे कि हमने एक तो लेंथ ली है, बेल्ट ली है और एक हिप ली है। तो जैसे कि ये बेल्ट का जो माप लिया मैंने 37, ये ओनली हम इलास्टिक के लिए लेते हैं, बाकी हमें सिर्फ ओनली दो माप की ही जरूरत है, लेंथ और हिप। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने जितनी लेंथ है उसमें हमने 5 इंच प्लस रखना है, यानी कि लेंथ हमारी 36 है तो हम 41 तक का कपड़ा रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको यहां से कट कर देना है, यानी कि 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक बच गया और इसको हम एक बार अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये दोस्तों मैंने एक बार आपको बताया नहीं है, मैंने ये 4 फोल्ड इसको कर रखा फैब्रिक को, और ये वो ही फैब्रिक है दोस्तों जिसकी मैंने 2-3 सलवार की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, और आपने बहुत बार कमेंट में पूछा कि ये कौन सा फैब्रिक है। तो आई थिंक ये बेबी क्रेप है, ज्यादा मुझे नहीं पता, बट ये बेबी क्रेप के नाम से ही मिलता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। इसकी 2-3 सलवार बहुत अच्छी बनती है दोस्तों, और इसका ये स्ट्रेट प्लाजो भी बहुत अच्छा बनता है इस फैब्रिक का। तो ये देखिए, मैंने जैसे कि अपनी तरफ इसके जो ओपन हिस्से हैं वो कर रखे हैं, यानी कि 4 तय हो गई, और जो बंद हिस्सा है वो आपकी अपनी तरफ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लेंथ जैसे 36 इंच 36 इंच की तैयार रखनी थी, 5 इंच मैंने उसमें प्लस किया है तो 41 इंच हो गया। तो उसके लिए अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे कटिंग की, जैसे कि 2.5 इंच हमने ऊपर से ले लेना है और 2.5 इंच हमने नीचे से ले लेना है। नीचे हम मोहरी फोल्ड करेंगे उसके लिए, और ऊपर जो हम इलास्टिक डालेंगे उसके लिए। तो जो ऊपर का हमने 2.5 इंच का निशान लगाया, इसको हम एक बार सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे कि इसका जो पूरा हमारा फैब्रिक है इसका सेंटर देखेंगे, ये हमारा 21 इंच है तो 10.5 इंच इसका हाफ सेंटर हो गया, तो हमने हाफ में निशान लगाया। और उसके बाद जैसे कि मैंने पैंट में बताया है, हिप का 4th हिस्सा करके हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है, हिप का 4th हिस्सा करके 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे कि हिप है 42 यानी के 10.5, तो 10.5 में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 13 इंच। तो 13 इंच के ही हिसाब से हम कट करेंगे दोस्तों। जैसे कि 13 हमने कैसे लेना है वो भी बता दूं आपको, 6.5 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, यानी कि 13 हो गया। ये सेंटर से मैंने हाफ हाफ किया है, यानी कि इतना साइड में हमने रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार तो सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल सीधी, जितना हमारा इक्वल फैब्रिक यहाँ है इतना ही इक्वल रखते हुए मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ से 13 लिया, यहाँ से भी हम एक बार 13 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी हम ऐसे सीधी कर देंगे इस तरह से। अब हम जो इसका आसन लेंगे दोस्तों वो भी हम इसी तरह से लेंगे, जैसे कि ये लाइन हमारी फोल्ड होने वाली है, ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस लाइन से आगे हमने 13 इंच लेना है, यानी कि हमने जो इसकी चौड़ाई है उसमें भी 2.5 इंच प्लस किया, और जो इसका आसन है उसमें भी हीप का 4th हिस्सा करके 2.5 इंच प्लस किया। अब हमने यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल इजी सा तरीका है दोस्तों, हमने हीप का 4th हिस्सा किया है, 2.5 इंच में प्लस किया है, 2.5 आसन में प्लस किया है, और जो 2.5 ही हमने एक्स्ट्रा लिया है। बाय चांस अगर हमारा ये, हम हल्की सी यहाँ पर राउंड दे देंगे,
जैसे कि हमारा साइज ज्यादा ही हैवी है तो हम यहाँ पर 3 इंच 3.5 इंच तक ले सकते हैं, और ज्यादा ही कम है तो हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं। बट ये हमारा जैसे कि ये भी आप सोचो कि 2.5 इंच, तो इसमें आप यही तरीका अपना सकते हो, इसमें कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सबके माप के लिए 2.5 यहाँ से प्लस कर देना, 2.5 यहाँ से प्लस कर देना। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। 2.5 के अलावा कोई भी साइज में आपने प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप कई बार पूछते हो कि बड़े छोटे साइज में कम ज्यादा करें, जैसे हैवी और नॉर्मल साइज में, तो साइज कितना भी हो ओनली 2.5 इंच याद रखना। बस ये क्रोच एरिया है, इसको आप बड़ा घटा सकते हो, बट नॉर्मल साइज के लिए आप सब जगह 2.5 इंच कर लेना। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ से जैसे कि हमने नीचे की तरफ भी इसका सेंटर एक बार माप लेना है। 10.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं ये निशान हम इसके सेंटर के थ्रू ही ले रहे हैं सारा। अब हमने नीचे कितना प्लाजो स्ट्रेट रखना है, कितना खुला रखना है, उस हिसाब से हम चेक करेंगे। यहाँ से जैसे हमारा 6.5-6 इंच आ रहा था, इनके ऊपर से हमारा 6.5-6 इंच आ रहा था। अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे कि आप कई बार सोचते हो कि हम स्ट्रेट ही रखना और कितना खुला रख सकते हैं, तो ये हमारा 16 इंच के करीब आ रहा है। तो आप दोस्तों इसको 16 इंच तक स्ट्रेट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक 16 इंच तक आप इसको स्ट्रेट रख सकते हो। तो हमने दोस्तों इतना खुला इसको नहीं रखना, बाकी आप रख सकते हो इसको, तो यहाँ तक अगर 16 तक ऐसे निशान लगाएंगे तो स्ट्रेट प्लाजो ही बोलेंगे। बाकी बाय द वे कोई बोलता है कि और भी ज्यादा ओपन चाहिए तो आप इसको इतना ओपन भी रख सकते हो। एक बार मैं आपको निशान लगा करके दिखा दूं, इधर का निशान हम इसके सामने लगाते हैं ऐसे। कई बार सोचो कि इधर का निशान हम किसके साथ मिलाएं, तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। ये मैंने हल्का हल्का एक बार निशान लगाया क्योंकि मैंने इसको इतना ओपन नहीं रखना, तो यहाँ तक हम सीधा इस तरह से कट कर देंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको यहाँ तक कट करके दिखा दूं कि इसको हमने फोल्ड करना है। यहाँ तक हमने इस तरह से सेम कटिंग होगी, चाहे हम नीचे से कितना भी लूज या टाइट करें, यहाँ तक हमारी कटिंग है जो वो सेम होगी। यहाँ तक, यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस तरह से दोनों तरफ। ये हमारा ऐसे इलास्टिक के लिए फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद जो अब इनके हम अगर ज्यादा ही लूज पहनना चाहें तो इसको इतना ओपन कर सकते हैं। अगर अब अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लूज या टाइट पहनना चाहते हो, तो हमने जैसे कि यहाँ से 6.5 इंच यहाँ से रखा और 6.5 इंच ही हमने यहाँ से रखा। मैंने इतनी ही इसकी मोरी रखनी है, आप कम भी रख सकते हो और इससे ज्यादा भी। तो अब मैं यहाँ से इस तरह से निशान लगाऊंगी नीचे, जिस निशान से और हमने क्रोच एरिया का जो निशान है इस तक मिला देना है। अब इस निशान को भी मैं ऐसे ही मिला दूंगी यहाँ से, ये मैंने मिला दिया। ये दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हमने कितना भी ओपन या कितना कुछ करना है वो ओनली नीचे से सेट करना है, ऊपर की कटिंग सेम होगी। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं। यहाँ से मैंने कटिंग किया और इस साइड से भी मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो कट के तैयार हो गया है। यहाँ से एक बार हम मोहरी कितनी हमने फोल्ड करनी है वो निशान भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने जैसे कि 2.5 इंच नीचे की तरफ लिया था और 2.5 इंच ही मैंने ऊपर की तरफ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कटिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि जितनी हमने लेंथ लेनी थी उसमें मैंने 5 इंच प्लस किया, 2.5 मैंने ऊपर रख लिया, 2.5 मैंने नीचे रख लिया, 36 इंच मैंने बीच बीच से लिया है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने पूरे जो हमारा फैब्रिक था उसका सेंटर लिया था और उस सेंटर से ही हमने इनके जितनी हमारी हिप है उसका 1/4 हिस्सा करके, हिप हमारी थी 42 इंच, उसका 1/4 हिस्सा हो गया 10.5 इंच
उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया तो वो हो गया टोटल 13 इंच। तो 13 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया और बिल्कुल सामने 13 पर यहाँ पर लगाया। यहाँ पर भी मैंने हिप का 4/4 हिस्सा किया और उसमें 2.5 इंच प्लस किया था, यानी कि सीधी सी बात आप समझ लेना 13 इंच हमने यहाँ पर जितना हम लेंगे प्लस करने के बाद इतना ही हमने यहाँ पर लेना है। यहाँ पर अगर हम 14 लेते तो 14 ही हमने यहाँ पर लेना है इस कट से लेकर के। तो ये आपको समझ आ गया नीचे का भी। अब मैं इसकी आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों आसन स्टिच कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसके आसन एक बार स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अगर आप इस पर जेब लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मैं अगर आपको चाहिए तो चलो मैं आपको एक बार जेब भी कटिंग करके बताती हूँ। तो हमने ऐसे इसको ओपन कर लेना है एक बार और इस तरह से एक साइड में ही हम जेब लगाएंगे। आप दोनों तरफ भी लगा सकते हो। यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरफ भी, अगर बाई चांस आपको जेब नहीं लगानी तो, और इस तरफ भी। पहले हम दोनों जैसे कि दोनों तरफ सिलाई कवर कर लेते हैं और बाई चांस आपको जेब नहीं लगानी तो इसका कुछ भी काम नहीं रह गया। यहाँ से दोनों सिलाई लगाने के बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इसमें इलास्टिक डाल देंगे और नीचे मोहरी फोल्ड करके गिदरी वाली सिलाई लगा देंगे तो ये एकदम से तैयार हो जाएगा। बट मैं इसमें जेब लगाऊंगी, एक तरफ मैं सिलाई लगा लूंगी पहले और एक तरफ मैंने जेब लगानी है। अगर जेब की वीडियो आप डिटेल में चाहते हो तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है पैंट के साथ है, उसमें आप देख सकते हो। मैं मोटा मोटा आपको एक बार बता देती हूँ कैसे हम जेब कट करेंगे और कैसे इसको स्टिच करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हम यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से तिरछा किया और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी जेब हो जाएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों इसको लगाने का। यहाँ से भी हम हल्की सी इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इधर से सिलाई लगा लेंगे पक्की, फिर इसको पलट देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जेब तैयार कर ली है इस तरह से, ये सिलाई लगा करके ऊपर को भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैंने एक सिलाई पूरे लेंथ पर लगा दी है एक साइड में और जो दूसरा हिस्सा है इस पर हम ये जेब लगाएंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से इक्वल है तो आप कौन से हिस्से पर भी इस पर लगा सकते हो। तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा ऐसे उठाया, सीधी तरफ हमने ये जेब लगानी है। ये वैसे तो मैंने कई बार बता रखी है फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, अगर साथ के साथ ये भी फोल्ड करना हो, हमारे पास फैब्रिक है तो हम किस तरह से ये जेब लगाएंगे। तो हमने इस तरह से सीधी जेब का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से उठाया और जो हमारा ये कट है उस कट से 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे इसको जेब को और उसके बाद हम यहाँ से हमने 2.5 इंच निशान लगा लेना 2.5 इंच पर। उसके बाद हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप ये कट कम ज्यादा रख सकते हो, यानी कि 5 इंच का या फिर 6 इंच का भी, तो मैं 5.5 इंच पर ही रखती हूँ और इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी, यानी कि यहाँ से ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। एक बार मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर कट लगा लेने हैं दोनों तरफ, इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से ऐसे इसको पकड़ते हुए ऐसे इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ऊपर से भी सिलाई इस पर लगा ली है। अब हम इस जेब को ऐसे सीधा करेंगे, इस तरह से हमने जेब को सीधा कर लेना है यहाँ से और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इनके हमने अच्छे से इसको एक बार सीधा किया और यहाँ से यहाँ तक एक बार सिलाई लगा देंगे। ये जैसे कि हमने इस तरफ ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा ली। ये मैंने थोड़ी ही कच्ची सिलाई लगाई क्योंकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसको हम निकाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इस तरफ से इसको ऐसे रखते हुए जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको ऐसे रखेंगे और ये हमें सिलाई दिख रही है तो इसको ऐसे रखते हुए पूरे पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने जेब वाली सिलाई भी लगा ली है, यानी कि इस तरफ भी मैंने लगा दिया है।
मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारी जेब में ये इस तरह से रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, जितना हमारा चौड़ा इलास्टिक है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हमने पूरा नेफा तैयार कर देना है। और जो हमारे नीचे मोहरी है उसको भी हमने एक बार इसी तरह से जो हमने कट लगाया था उसको भी हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने नीचे से मोहरी थी उसको भी ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर इलास्टिक डालेंगे उसको भी फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये गिदरी वाली सिलाई कंप्लीट कर देंगे हाफ इंच का छोड़ते हुए मार्जिन। और इसके अलावा जो हमने इलास्टिक के लिए फोल्ड किया है, जैसे कि ये मैंने इलास्टिक के लिए भी इसको फोल्ड कर दिया था नेफे को, तो इसके लिए मैंने 2 इंच का इसमें होल छोड़ा है, तो इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक का मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से लेते हैं दोस्तों। जैसे कि जितनी भी हमारी बेल्ट है मैंने उसमें बेल्ट 37 इंच लिखी थी, तो 37 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे, वो थोड़ा टाइट पहनने वाले हैं। वैसे मैंने बताया है कि आप 4 इंच माइनस कर देना जितनी भी जिसकी बेल्ट है उसमें से, तो आप 4 या 5 माइनस कर देना जिसकी जितनी बेल्ट है, जहां पर हम बांधते हैं उसको मैं बेल्ट बोल रही हूँ, तो उसमें से 4 या 5 इंच माइनस कर देना और जितना भी फिर इलास्टिक आए हमारा उतना ही इसमें डाल देना। तो ये मैंने सेफ्टी पिन डाली है, इसकी मदद से मैं पूरे में इलास्टिक डाल दूंगी और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये मैंने पूरा प्लाजो कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ऊपर से आप डबल सिलाई भी लगा सकते थे बट मैंने एक ही लगाई है। ये मैंने साइड में एक इसकी पॉकेट लगाई है और नीचे से गिदरी वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। कहने का मतलब हमारा प्लाजो एकदम से सुंदर बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी एक बार इस तरीके से कोशिश करोगे तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाना था इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। और आप कई बार जैसे कि शायद आप इस वीडियो में भी पूछो कि ये साइड वाली जो ज्वाइंट है ये ना आए, तो उसकी कटिंग मैं आपको फिर कभी बता दूंगी। लेकिन अगर साइड में हम ज्वाइंट लेते हैं तो इसकी अच्छी फिटिंग आती है और अच्छा ही ये दिखता है पहनने में। फिर भी मैं आपको एक बार डालकर दिखाती हूँ। ये इसका फाइनल लुक है दोस्तों। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसका आपका दिल से धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।